हिट एंड रन एक्ट के खिलाफ हिंगनघाट में ट्रक चालकों और मालिकों ने शहर के नांदगांव चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और एक्ट को रद्द करने की मांग को लेकर आज से स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू किया है। केंद्र सरकार ने वाहन चालकों के खिलाफ नया हिट एंड रन कानून लागू किया। इस कानून के खिलाफ 10 जनवरी को हिंगनघाट शहर के नांदगांव चौक पर वाहन चालकों और मालिकों ने एकत्रित होते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की और इस कानून का विरोध करते हुए नारेबाजी की और कायदा रद्द करने की मांग की। 10 जनवरी को फिर से स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई है। ट्रक ड्राइवर ऑनर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में ड्राइवरों और मालिकों ने एकजुट होकर हिट एंड रन एक्ट के खिलाफ नारे लगाए और एक्ट रद्द करो की मांग की। कायदे को रद्द करने के लिए अनुमंडल अधिकारी को मांग पत्र सौंपा जाने वाला है। बड़ी संख्या में शहर के ट्रक ऑनर एसोसिएशन के पदाधिकारी, मालिक एवं चालक शामिल रहेंगे। चालक पालक संघटनेकडून संप पुकारण्यात आला। स्टेअरिंग छोडो आंदोलन कालपासून संध्याकाळपासून सुरू झालं आहे। आपण हिंगणघाट शहरातल्या नांदगाव चौकामध्ये आहोत। नांदगाव चौकात हिंगणघाटमध्ये सुद्धा याचे पडसाद उमटले आहे। अनेक प्रकारचे जे मालक चालक संघटना आहे ते आज जे आहे नांदगाव चौकात आंदोलन करत आहे। त्याच्याशी आपण संवाद साधूया, त्यांचं काय म्हणणं आहे म्हणजे बताइए। या आंदोलन आज फिर से आपने शुरू किया है, क्या कहना है? ये आंदोलन का कहना ये है कि इसके पहले भी हमने ये आंदोलन किए थे, लेकिन ये सरकार ने हमको चॉकलेट दे दिया। ये कानून कुछ रद्द हुआ नहीं, इसलिए फिर से हमने आंदोलन इसलिए किए हैं कि अब ये जब तक हमको लेकिन बेटर नहीं दिया जाता। आज के आंदोलन के बाद में भी अगर सरकार की भूमिका नहीं बदलती तो आपका क्या कहना है? ये आंदोलन कितने लंबा चलेगा ये तो हम बता नहीं सकते, ये तो बेमुद्दत चलेगा। ये हम आज हिंगनघाट में कौन सी सेवाएं, जैसा एम्बुलेंस हो गया या पेट्रोल हो गया, सब्जी हो गई और स्कूल बच्चों का जो आना जाना करती है वो संगठना है, आपके साथ में है क्या? हाँ, ये भी साथ में है, तो लेकिन स्कूल वालों को ये वाले हैं और स्कूल वाले कल से हमारे समर्थन में आने वाले हैं। कुल मिला के हिंगनघाट में जो स्कूल संगठना है उसकी बसेस या जो जो ट्रैवल्स है वो बंद रहेगी क्या? हाँ, वो भी कल से बंद रहेगी। और एम्बुलेंस हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, ऐसी जो वाहन है वो क्या? वो हमारा स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन है, उसी के अंदर में सभी ड्राइवर आ गए हैं और सभी ड्राइवर हमारे समर्थन में है। ये पीछे पूरी मिला के कई दिन तक ये आपकी मांगे पूरी जाएगी तो आप जब तक सरकार हमें लेटर नहीं दिखाती सही सिक्का के साथ में और लेकिन लेटर नहीं दिखता तब तक हम ये आंदोलन हमारा जाने लगे। अनेक संगठना है जो ये संगठन से दूर है या उन्होंने आंदोलन नहीं किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी तो आंदोलन हर तरफ चालू है, जैसे कि एकूणच आपण हिंगणघाट शहरातल्या नांदगाव चौकात आलो आहोत। नांदगाव चौकात शासनाच्या वाहन चालक आहे याच्यावर लागलेल्या मनमानी धोरणाविरोधात वाहन चालक संघटनेकडून आज स्टेअरिंग छोडो आंदोलनाला सुरुवात हिंगणघाटमध्ये सुद्धा करण्यात आली। कायद्या अंतर्गत काल संध्याकाळपासून भारतभरात जे आहे ड्रायव्हर लोकांनी आपले स्टेअरिंग छोडो आंदोलन सुरू केले आहे। आपण हिंगणघाट शहरातील नांदगाव चौकात आलो, इथे पण हिंगणघाट शहरात किंवा हिंगणघाट विभागातील ड्रायव्हरनी आजपासून स्टेअरिंग छोडो आंदोलनाला सुरुवात केली आहे। काही ड्रायव्हर मित्र किंवा संघटनेच्या पदाधिकारी आहेत त्यांच्याकडून आपण जाऊ। म्हणजे बघा, आज ते आपले जो आंदोलन सुरू केले आहे उसके बारे में आपका क्या कहना? आज जो हमने यहाँ पे आंदोलन जो शुरू किया है ये पूरे जो भारत में सौंप है, जो भारत जो बंद है चालक मारक हम उसके साथ ही हैं। जब तक ये आंदोलन रहेगा तब तक उनके साथ मिला के मुझे बताइए, हिंगनघाट शहर में जो अभी तत्काल सेवाएं है वो शुरू नहीं किया बंद रही? तो सब बंद रहेगी, ये टोटल बंद रहेंगे। कुल मिला के महत्व का भाग जो है डीजल या पेट्रोल का जो टैंकर है या वो सारी चीजें हैं वो अगर नहीं आती है तो ये गाड़ियों पे पंप के परिणाम मिलेगा या बंद गाड़ियां बंद हो जाएंगी, उसके बारे में आपका क्या कहना? डीजल टैंकर के ड्राइवरों ने भी टैंकर के ड्राइवरों ने स्ट्राइक कर दिया, उन लोगों ने भी स्ट्राइक कर दिया। आप शासन को इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी मांग के लिए अभी कहाँ जाने? अभी हम उप विभागीय अधिकारी की तरफ जाने वाले हैं और हमारी मांग है कि ये जो रन जो कानून है इसको पीछे लिया जाए और इसको स्थगित किया जाए। एकूणच आपण हिंगणघाट शहरातल्या नांदगाव चौकात आलो, हिंगणघाट विभागातील जे ड्रायव्हर आहे किंवा ट्रक मालक आहे यांनी सुद्धा आज
स्टेरिंग छोडो आंदोलनापासून हिंगणघाटात मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केलेली आहे. रात्रीपासून ड्रायव्हर चालक मालक संघटनेनं स्टेअरिंग छोडो आंदोलन सुरू केलं आहे. आपण हिंगणघाटच्या रस्त्या नांदगाव चौकात आलो. नांदगाव चौकात सुद्धा हिंगणघाट प्रभागातले ड्रायव्हर चालक आहे यांनी काल रात्रीपासून स्टेअरिंग छोडो आंदोलन सुरू केलं आहे. आपण आपले काही ड्रायव्हर मालक आहे आपने जो स्टेअरिंग छोडो आंदोलन किया है इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि ये जितने भी ड्राइवर लोग दिख रहे इधर खड़े हैं, आज हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक किया है. रोड पे गए थे, 10-15 मिनट रुके थे रोड पर जाके. हमारा सब ड्राइवर लोगों का कहना है, क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग यही है सरकार से कि जो अमित शाह जी ने कानून जो बनाया है निकाला है, उनको हमारी यही गुजारिश है कि आप जो कानून बनाया है तो आप कानून काला कानून करें. इसके पहले भी इसके लिए आंदोलन किया था और हड़ताल खत्म की, उसके बारे में क्या कहा? हमने वो बोले तो अफवाह उड़ा दिया थी उन्होंने क्या वापस लिया था करके कानून, लेकिन वो कानून वापस नहीं लिया. आज की जो हड़ताल कल से शुरू है रात में, तो ये हड़ताल कितने दिन तक चलेगी? ये हड़ताल जब तक कानून वापस चलेगी, कानून वापस. ये सभी ड्राइवर लोगों का कहना है ये हड़ताल तब तक चालू रहेगी. आज की हड़ताल में मुझे बताइए जो आपातकालीन सेवाएं है, एम्बुलेंस हुआ, सब्जी हुआ, रेंजर हुआ या पेट्रोल जैसी चीजों का जो वाहन करती है आना जाना करती है, वो जो बंद रहेगी? वो भी बंद रहेंगे. पर मेरी एक कहना है सरकार से, हम ड्राइवर लोग बोले तो प्राइवेट हो गए, जैसे सरकारी बस वो भी एक ड्राइवर है. संगठन के और वजह और कल ऐलान किया गया था क्या एम्बुलेंस और बसेस को जो स्कूल बसेस है उनको बंद नहीं किया जाएगा? पर हमारा कहना यह है बस ड्राइवर भी है तो वो भी एक ड्राइवर है, कोई भी सरकारी गाड़ी चला रहा है तो वो भी एक ड्राइवर है. कुल मिला के सारे संगठन आपके साथ में? हाँ, सब मिला के संगठन हमारे साथ है. ये अपना सरकार को एक ही कहना मेरा, हम जैसे प्राइवेट ड्राइवर है, एसटी महामंडल का ड्राइवर हो, एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, डीजल का ड्राइवर हो, पेट्रोल का ड्राइवर है, सभी ड्राइवर को मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग सब आप अपने घर में रहो और ड्राइवर एकता जिंदाबाद रखो, क्योंकि हम लोग जो प्राइवेट ड्राइवर है हम ही आगे घुसते हमारा ही मरना हो जाता. आप लोग जो सरकारी ड्राइवर है वो आप बरोबर आप ड्यूटी करते हैं, आप बोलते हैं कि हम ड्यूटी पे जाएंगे, हम फिर हमारा क्या होगा? हम ड्राइवर बनने के बाद हमारा कोई जीवन में बोले तो फायदा नहीं है. इन बिसन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट.